हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं ये बना रही है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। जब भी खाने का मन होता है तो हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन आप इसको घर पे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर के करीब दूध लिया है और दूध को मैंने थोड़े बड़े बर्तन में ही हमें दूध को डालना है, नहीं तो कई बार होता है कि जब बॉईल आता है तो दूध निकल जाता है। तो और यहाँ पे मैं विनेगर का यूज़ नहीं करूँगी, ना ही मैं यहाँ पे टाटरी का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं मैंने, नींबू से ही आज हम अपनी इस डिश को बनाएंगे, जो भी रेसिपी है उसको बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मैंने ओरिगैनो और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से थोड़ी देर तक इसमें चलाते रहेंगे, यानी कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे नींबू का रस मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। यदि आपके जैसे मैंने 2 नींबू लिए हैं तो थोड़ा सा मैंने उसमें अगर आधी कटोरी नींबू का रस है तो उस कटोरी को पूरा पानी से भर लेना है, तभी हमारा जो पनीर है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार होगा। और ये हमें एक बार में नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है। एक बार में डालने से पनीर अच्छे से नहीं बन पाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको डालें तो पनीर बहुत अच्छे से बनके तैयार होता है। देखो जो हमारा पनीर है वो दूध फट गया है, हमारा पनीर बनके तैयार हो गया। देखो पनीर बन गया है और जो दूध और पानी है वो अलग अलग हो गया, पनीर और पानी अलग अलग हो गया है। तो जो हमारा पनीर है वो बहुत अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे मैं एक छलनी में इसको मैंने छान लिया था और वाइट कपड़ा मैं लाना भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही इसको दूसरे कपड़े में इसको बना लिया था। और इसको थोड़ा सा मोटा कुछ इसके ऊपर रख दे तो ये ईजिली बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखो कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। आप इसको है ना बिना सब्जी के भी खा सकते हो, यानी कि आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक छिड़क के भी खा सकते हो। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद बना था और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। जो हम घर का पनीर बनाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होता है, बाहर से कुछ ज़्यादा हेल्दी होता है। और ये कश्मीरी मसाला पनीर है तो जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। और इसके पीसेस भी देखो कितने अच्छे से कट हुए, ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ था। तो आप इस तरह से घर पर इसे ज़रूर बना कर देखें। इसकी सब्ज़ी भी हम बनाते हैं तो वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो आप घर पर इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखना, आपका पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में लाजवाब बनेगा। बाय बाय।